इस इमेज को देखें। जब दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण हुआ था तब इस विस्फोट से कुछ 9 किलोमीटर दूर ये सभी वैज्ञानिक इसे देखने के लिए खड़े थे। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो इनमें से कई वैज्ञानिक कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल अंधे हो गए थे। अब इस इमेज को देखें। जब कई वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था तब वहां से कई किलोमीटर दूर से इस तस्वीर को लिया गया था। इस प्रोजेक्ट पर जितने वैज्ञानिक काम कर रहे थे वे सभी इस परीक्षण को देखने आए थे और जब यह विस्फोट हुआ तो इसे देखकर कई वैज्ञानिक हंसने लगे, कई वैज्ञानिक रोने लगे तो कई वैज्ञानिक बिल्कुल खामोश हो गए थे। और जो इस प्रोजेक्ट के लीडर थे ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस विस्फोट को देखकर हिंदू धर्म की पवित्र बुक भगवद गीता का एक श्लोक बोला था जिसका कनेक्शन इस परमाणु बम से था। इस बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने मानव जाति के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस घटना के बाद दुनिया वैसे नहीं रही जैसे इससे पहले हुआ करती थी, क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कई साल मेहनत करके इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। तो इस वीडियो में उस समय की ओरिजिनल इमेजेस के जरिए मैं आपको परमाणु बम का आविष्कार कैसे हुआ था उसका पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि दुनिया को परमाणु बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, उस दौर में ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे जिस कारण इन विनाशकारी हथियार को बनाने की जरूरत पड़ी थी, उस समय कितने देश इस परमाणु हथियार को बनाने की होड़ में लगे थे और आखिर में किसने यह कर दिखाया था, और जिन वैज्ञानिकों ने इस परमाणु बम का आविष्कार किया था क्या उन्हें अपने इस आविष्कार से खुशी मिली थी या बाद में उन्हें इसका अफसोस हुआ था, और जिस वैज्ञानिक ने कर दिखाया था उसका भागवत गीता से क्या कनेक्शन था, इस आविष्कार का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा था और मौजूदा समय को देखकर तीसरा विश्वयुद्ध होने की कितनी संभावना है, इस बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन के विचार भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। प्राचीन काल से ही हम इंसानों की यह फितरत रही है कि अपने पड़ोसियों से हम ज्यादा धनवान कैसे बन जाए। इस कारण कई लोग लोहे और तांबे को सोना बनाने की तरकीब ढूंढा करते थे। जैसे हमारे भारत में इसी विचारधारा ने पारस पत्थर की कल्पना को फैलाया था जिससे आप किसी भी धातु को सोने में बदल सकते हो, तो कुछ वैसे ही आधुनिक युग के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में एक धातु को दूसरी धातु में बदलने की कोशिश में लगे थे और इसी धातु परिवर्तन की खोज करते करते कुछ वैज्ञानिकों को परमाणु शक्ति का विचार आया। यानी इस शक्ति को कई सालों से खोजने की कोशिश हो रही थी जिसमें दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय में अलग अलग चीजों की खोजें की थी और जिसने आखिर में एक ऐसे भयानक हथियार को जन्म दिया जो आज न सिर्फ मानव जाति बल्कि पूरी धरती के लिए एक अभिशाप बन गया है। साल 1789 में जब जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन क्लेपरोथ ने, यह उनकी इमेज है, इन्होंने यूरेनियम नामक घने धात्विक तत्व की खोज की। यह यूरेनियम की इमेज है। बाद में इसका इस्तेमाल परमाणु बम में हुआ था, लेकिन फिर भी परमाणु हथियार बनने का सफर साल 1896 में शुरू हुआ जब फ्रांस के एक रसायन यज्ञ हेनरी बेकरल ने, यह उनकी इमेज है, इन्होंने इस यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता की खोज की। अब यह रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इसमें जो धातु के टुकड़े हैं वो है यूरेनियम जो हमेशा अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकता रहता है। यह जो धुआं दिख रहा है वो रेडियो एक्टिविटी ही है जो बाद में एक भयानक हथियार के विकास का आधार बनता है। फिर साल 1898 में पियरे और मेरी क्यूरी ने यह खोजा कि जब किसी तत्व पर अधिक ऊर्जा का प्रहार किया जा रहा था तो वह छोटे छोटे तत्वों के अंदर टूट रहा था। यानी हर धातु छोटे छोटे परमाणु में टूट रही थी क्योंकि इस धरती पर मौजूद हर चीज छोटे छोटे परमाणुओं का एक ग्रुप है। इसमें आप देख सकते हैं हम इंसानों का शरीर भी ऐसे ही छोटे छोटे परमाणुओं से बनकर बनता है। जैसा कि मेरी क्यूरी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरेनियम पर अपना महत्वपूर्ण शोध कर रही थी, तो मेरी क्यूरी के तत्वों में रेडियो एक्टिविटी की खोज ने परमाणु विज्ञान की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बाद में इसी शोध के आधार पर ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, यह उनकी इमेज है, इन्होंने साल 1911 में परमाणु का एक मॉडल तैयार किया जिस मॉडल में इन्होंने परमाणुओं की पूरी समझ को विकसित किया, क्योंकि अभी तक दुनिया को लगता था कि हर चीज परमाणु से बनी है, लेकिन रदरफोर्ड ने यह साबित कर दिखाया कि यह परमाणु भी छोटे छोटे परमाणु अल्फा या बीटा जैसे कणों से बनता है।
और इसी मॉडल के आधार पर एलसी वेल्स ने साल 1914 के एक उपन्यास द वर्ल्ड सेट फ्री के अंदर कई तरह के ऐसे हथियारों का वर्णन किया जो आगे आने वाले दिनों में हकीकत में बदलने वाले थे। हालांकि इन्होंने बस इन सब चीजों की कल्पना ही की थी कि ऐसे हथियार बनने मुमकिन है। तो उस समय यूरोप में कई वैज्ञानिक परमाणु यानी एटम को तोड़ने में लगे थे कि हर चीज अगर परमाणु से बनी है तो आखिर ये परमाणु किस चीज से बना है। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 साल पहले ऋषि कणाद ने हिंदुओं के वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी दे दी थी। इसलिए भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। अब यह कोई मेरे निजी विचार नहीं है, बल्कि फेमस इतिहासकार टीएन कोलेब्रुक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय आचार्य यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में ज्यादा विख्यात थे। खैर, यह एक अलग विषय है, कभी हम भारत का इतिहास कवर करेंगे तब इसके बारे में ज्यादा विस्तार से जानेंगे। तो इसके बाद साल 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिसके बाद हम परमाणु हथियार बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। तो अभी तक दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग चीजों की खोज कर रहे थे। अब इन बेचारों का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हमारी खोज से पूरी मानव जाति को किसी भी तरह का कोई खतरा हो। ये सब तो न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में इसलिए जान रहे थे ताकि इस ऊर्जा से बिजली यानी पावर बनाई जा सके। लेकिन इसके बाद दुनिया में हालात कुछ ऐसे बने जिसने बिजली बनाने की बजाय इंसान को परमाणु हथियार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इस मैप को देखें, यह है जर्मनी। तो साल 1933 में हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और इसकी नाजी पार्टी ने यहूदी लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इस बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जिसमें मैंने हिटलर और नाजी पार्टी के उदय से लेकर उनके पतन तक का पूरा इतिहास कवर किया है। इसके अलावा नाजियों द्वारा यहूदी लोगों का जो नरसंहार हुआ था यानी होलोकॉस्ट, इस बारे में भी मैंने इस वीडियो में विस्तार से समझाया है। तो जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी के यहूदी लोगों पर अत्याचार होना शुरू हुआ, जिसे एंटी सेमेटिज्म कहते हैं। और इसे एंटी सेमेटिज्म के कारण जर्मनी में यहूदी लोग जो थे वो जर्मनी छोड़कर दूसरे देशों में भागने लगे, जिसमें कई यहूदी वैज्ञानिक भी शामिल थे। अब यह एंटी सेमेटिज्म सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित नहीं था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के तानाशाह बनने के बाद इटली में भी यहूदी लोगों पर अत्याचार होना शुरू हुआ और यूएसएसआर में भी एंटी सेमेटिज्म बढ़ता जा रहा था। मतलब यूरोप के कई देशों में छोटे मोटे तौर पर एंटी सेमेटिज्म बढ़ता जा रहा था। इस कारण यूरोप के ज्यादातर यहूदी वैज्ञानिक यूरोप छोड़कर इस ब्रिटेन और अमेरिका में शरण लेने लगे थे, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, थियोडोर वॉन कर्मन, जॉन वॉन न्यूमैन, यूजिन विग्रर, लियो सिलार्ड, एंथ बेसे, एडवर्ड टेलर, लिज मिटनर, एनरिको फर्मी और ऐसे और भी कई वैज्ञानिक थे। अब इस मैप को देखें, यह है लियो सिलार्ड। ये हंगरी के एक यहूदी वैज्ञानिक थे जो कई सालों से जर्मनी में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन 1933 में जर्मनी की सत्ता में हिटलर के आने के कुछ महीनों बाद ही ये जर्मनी छोड़कर ब्रिटेन चले गए, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर फिजिक्स में ब्रिटेन सबसे आगे था, क्योंकि उसी दौर में ब्रिटेन के जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने भी परमाणु को विभाजित कर लिया था। तो ये लियो सिलार्ड भी ब्रिटेन में आकर परमाणु शक्ति पर काम करने लगे और इन्हें विचार आया कि यूरेनियम के ऊपर अगर न्यूट्रॉन से हमला किया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन इस परीक्षण को वे सफलता से पूरा करें इससे पहले ही इसी साल यानी 1933 में इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने, यह उनकी इमेज है, इन्होंने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की और कुछ ऐसे तत्वों की खोज की जो हल्की बमबारी के लिए उपयोग किए जा सकते थे। यानी इस घटना के बाद एनरिको फर्मी ने यह अनुमान लगा लिया था कि न्यूट्रॉन से यूरेनियम पर बमबारी करने से एक ऐसा बम बनाया जा सकता है जो बहुत बड़ी आग पैदा करेगा। लेकिन एनरिको फर्मी इस पर और काम करे इससे पहले ही इटली में बेनिटो मुसोलिनी सत्ता में आकर इटली का तानाशाह बन गया, जो हिटलर का बहुत करीबी था। इस कारण मुसोलिनी ने भी इटली में यहूदी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब इस इमेज को देखें, यह है एनरिको फर्मी और यह है उनकी पत्नी। तो इनकी पत्नी यहूदी धर्म से थी, इस कारण एनरिको फर्मी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए इटली को छोड़ दिया और ये दोनों अमेरिका भाग गए। तो साल 1932 से लेकर 1938 तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा। यूरेनियम के परमाणु पर न्यूट्रॉन से बमबारी करना
और अलग अलग प्रकार के कणों को खोजना वो सब कुछ इसी दौर में हुआ। लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाला परिणाम जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मिला। इस इमेज को देखे, यह जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हैन और यह है लिज मिटनर। ये दोनों पिछले 30 सालों से जर्मनी में न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम कर रहे थे। 30 सालों से एक साथ थे तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और दोनों एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। तो दिसंबर 1938 में यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ 9-10 महीने पहले ही ऑटो हैन ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बमबारी की और इन्होंने देखा कि इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यानी सही मायने में परमाणु को तोड़ने में ऑटो हैन सफल हो गया। इसको आसान भाषा में समझने के लिए अब इस उदाहरण को समझें। एक परमाणु है, इस पर न्यूट्रॉन से हमला करने पर यह परमाणु और छोटे छोटे परमाणु में टूट जाता है। फिर इन छोटे छोटे परमाणुओं पर न्यूट्रॉन से हमला करने से यह परमाणु और भी छोटे छोटे परमाणु में टूटता जा रहा था और यह तब तक टूट रहा था जब तक परमाणु नाश होकर ऊर्जा ना बन जाए। इसे विज्ञान की भाषा में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और इसी सफलता की अमेरिका सहित दुनिया भर में चर्चा होने लगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार परमाणु के विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलनी अब संभव हो गई है। यानी परमाणु बम बनाना अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि दुनिया भी इसके बहुत नजदीक पहुंच गई थी। तो साल 1938 में न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हैन ने की थी। कहां पर? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जिस जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। अब 1938 आते आते जर्मनी में यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे थे। इस कारण लिज मिटनर जो ऑटो हैन के साथ 30 सालों से काम कर रही थी वो भी एक यहूदी वैज्ञानिक थी, तो इस कारण इन्हें भी जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा। अब इस इमेज को देखें, यह डेनमार्क के वैज्ञानिक नील बोहर है। इन्होंने लिज मिटनर को जर्मनी से निकालने में मदद की और यह उसे अपने साथ अपने देश डेनमार्क ले गया। अब मजेदार बात यह है कि लिज मिटनर को पता था कि ऑटो हैन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज कैसे की थी, क्योंकि तब यह उसके साथ ही थी। तो डेनमार्क जाकर लिज मिटनर ने इसका भेद नील बोहर को बता दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, वो कैसे काम करता है और इससे कैसे भयानक ऊर्जा निकलती है, वो सब लिज मिटनर ने नील बोहर को बता दिया। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1940 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था तब लिज मिटनर ने अमेरिका के कुछ पत्रकारों को कहा था कि जब मैंने 1938 में जर्मनी छोड़ा था तब परमाणु बम की सारी जानकारी मैं अपने पर्स में अपने साथ लेकर भागी थी जर्मनी से। तो इसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी इसका अग्रणी था और बहुत ही कम समय में हिटलर ने यूरोप के लगभग ज्यादातर देशों को कब्जा लिया और जो अत्याचार अभी तक जर्मनी में यहूदी लोगों पर हो रहा था वो अब हिटलर के कब्जे पूरे यूरोप के सभी यहूदी लोगों पर भी शुरू हो गया। इस कारण पहले जो यहूदी वैज्ञानिक जर्मनी छोड़कर यूरोप के बाकी देशों में पलायन हो गए थे वो अब यूरोप छोड़कर अमेरिका की तरफ पलायन करने लगे। और दूसरी ओर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसी दौर में परमाणु बम बनाने की कोशिश शुरू कर दी। बर्लिन की जिस लैब में ऑटो हैन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की थी इसी लैब में परमाणु बम बनाने की कोशिश हो रही थी और जर्मनी के इस प्रोजेक्ट का नाम यूरेनियम क्लब था जो 1939 में शुरू हुआ था और इसके लीडर थे वेर्नर हाइजेनबर्ग। ये उनकी इमेज है। कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को जो झेलना पड़ा था वो देखकर जितना दुख हिटलर को हुआ था उतना ही दुख हाइजेनबर्ग को भी हुआ था। इस कारण हाइजेनबर्ग को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया जो एक वैज्ञानिक थे, ताकि जर्मनी परमाणु बम बनाकर अपना बदला ले सके। और ऊपर से 1930 के दशक के आसपास हिटलर का जर्मनी न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे आगे था। इस कारण जैसे ही यह खबर फैलनी शुरू हुई कि जर्मनी परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगा है तो दुनिया भर के वैज्ञानिक सतर्क हो गए कि अगर हिटलर के हाथ में परमाणु बम आ गया तो पता नहीं वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। अब जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हैन के साथ काम करने वाले लिज मिटनर ने जर्मनी से भागकर डेनमार्क के नील बोहर को न्यूक्लियर फिजिक्स का भेद बता दिया था। और इसी साल नील बोहर डेनमार्क से अमेरिका चला गया जहां पर वो एंड्रिको फर्मी से मिले जो मुसोलिनी के इटली में अपनी यहूदी पत्नी को बचाने के लिए अमेरिका पहले ही आ गए थे। इसके अलावा कुछ और भी यूरोपियन यहूदी वैज्ञानिक थे जैसे लियो सिलार्ड जो हिटलर से बचकर अमेरिका में आ गए थे। तो नील बोहर ने इन सभी वैज्ञानिकों को आगाह किया कि जर्मनी में हिटलर एक ऐसा बम बना रहा है जिससे एक झटके में पूरा शहर तबाह हो सकता है, तो अगर हिटलर ने यह बम बना लिया तो पूरी दुनिया को इससे खतरा है।
इस कारण हंगरी में जन्मे तीन वैज्ञानिक ये लियो सिलार्ड है, ये बीच में यूजिन विग्नर है और ये एडवर्ड टेलर है। तो इन तीनों ने तय किया कि अभी हम तीनों बहुत छोटे वैज्ञानिक हैं। अगर हम अमेरिकन सरकार को जर्मनी के परमाणु बम प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे तो अमेरिकन सरकार हमारी बात पर विश्वास भी नहीं करेगी। इस कारण हम दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से बात करके उनके हाथों से हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर भेजने की कोशिश करेंगे। इस इमेज को देखें, यह है अल्बर्ट आइंस्टाइन और यह है लियो सिलार्ड। जब लियो सिलार्ड आइंस्टाइन से मिलने गए थे तब की ये इमेज है। लियो ने आइंस्टाइन को सब कुछ समझाया कि जर्मनी में हिटलर क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद आइंस्टाइन को भी इससे खतरा महसूस हुआ क्योंकि आइंस्टाइन खुद एक यहूदी थे और जर्मनी में रहते थे, जो हिटलर के डर के कारण जर्मनी से अमेरिका पलायन कर गए थे। इस कारण आइंस्टाइन ने इस लेटर पर अपना हस्ताक्षर किया और ये ऐतिहासिक लेटर अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भेजा गया, जिसमें चेतावनी दी गई कि जर्मन नाजी वैज्ञानिक परमाणु हथियार विकसित करने में लगे हैं, तो अमेरिका जल्दी से यूरेनियम भंडार का संग्रह करे और अपने स्वयं के परमाणु हथियारों पर काम करना शुरू करे, ऐसा आग्रह किया गया था इस लेटर में। अब दूसरा विश्व युद्ध यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ देशों तक ही सीमित था, अमेरिका इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ था। इस कारण अमेरिका ने शुरुआत में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1940 में एक तरफ हिटलर यूरोपीय देशों पर कब्जा करता हुए आगे बढ़ रहा था और दूसरी ओर जापान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर कब्जा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस कारण अमेरिका ने धीरे धीरे आइंस्टाइन के इस लेटर पर काम करना शुरू किया और अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने यूरेनियम कमेटी बनाई। ये सब इस कमेटी के मेंबर थे, तो इनको दुनिया भर से यूरेनियम इकट्ठा करने का काम सौंपा गया, लेकिन इस कमेटी को सिर्फ $6,000 का ही फंड दिया गया, जो कि बहुत ही कम था। अब परमाणु बम बनाने के लिए सबसे जरूरी था यूरेनियम, और उस दौर में यूरेनियम एक दुर्लभ खनिज था जो बड़ी मुश्किल से मिलता था। इस मैप को देखें, ये उस दौर के अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, जिसमें पिंक कलर वाला है कांगो देश। इस देश में दुनिया का बेहतरीन यूरेनियम मिलता था उस समय, लेकिन यह कांगो तब बेल्जियम का गुलाम था। अब यहां यूरोप में 1940 में हिटलर यानी जर्मनी ने बेल्जियम को कब्जा लिया। इस कारण एडगर सेगनर, ये उनकी इमेज है, ये बेल्जियम के एक सरकारी अधिकारी थे जो इस कांगो देश में सिंको लोम्बे माइन के निर्देशक थे। ये उस माइन की इमेज है, यहां पर उस समय दुनिया का सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला यूरेनियम का उत्पादन होता था। अब एडगर सेगनर को परमाणु बम में यूरेनियम के संभावित उपयोग के बारे में पता चल गया और ऊपर से 1940 में जर्मनी ने उनके देश बेल्जियम को कब्जा लिया था, तो एडगर सेगनर को डर लगा कि जर्मन नाजी इस यूरेनियम को जब्त कर सकता है। तो इस डर के कारण एडगर सेगनर ने इस माइन के 1250 टन यूरेनियम के भंडार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक गोदाम में भिजवा दिया। और दूसरी ओर ब्रिटेन को भी डर था कि अगर हिटलर पूरे यूरोप को कब्जा लेगा तो बाद में वो ब्रिटेन पर भी हमला करेगा। इस कारण ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर ट्यूब एलॉयस प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने का काम सौंपा गया। और इसी दौरान यानी साल 1940 के आसपास में जापान में भी कुछ बुद्धिजीवियों ने परमाणु बम बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन जापानी शासकों ने इस कमेटी को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की, जिस कारण जापान परमाणु बम बनाने में असफल रहा था। और उसी दौर में यूएसएसआर के कुछ वैज्ञानिक भी इसी पर काम कर रहे थे। तो इस तरह से दुनिया के कई देश परमाणु बम बनाने की होड़ में उतर चुके थे। तभी दूसरे विश्व युद्ध में एक बड़ा उलटफेर हुआ। जापान ने अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पर बहुत बड़ा हमला किया। अब यह हमला इतना बड़ा था कि इसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया 1941 के अंत में। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका अभी नाजी जर्मनी से 3 साल पीछे है। इस कारण राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने परमाणु बम बनाने की जरूरत को पहली बार गंभीरता से लिया और इन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ साथ जो यूरोप के वैज्ञानिक शरणार्थी बनकर अमेरिका में आ गए थे उन सबको परमाणु बम बनाने का आदेश देते हैं, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत ही कांगो से लाया गया यूरेनियम जो न्यूयॉर्क के एक तहखाने में छुपाया गया था वो 1250 टन यूरेनियम अमेरिका ने खरीद लिया। और अमेरिका ने कुछ 30 अलग अलग साइट पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु बम बनाने के प्रयोग शुरू किया 1942 की शुरुआत में। इस मैप में आप देख सकते हैं कुछ बड़ी बड़ी साइट के लोकेशन है जहां पर ये प्रयोग शुरू हो चुके थे। अब समय बीतता जा रहा था, अमेरिका को सफलता मिल नहीं रही थी क्योंकि काम तो जोरों से चल रहा था
लेकिन सभी वैज्ञानिक अलग अलग साइट पर काम कर रहे थे। इस कारण परमाणु हथियार विकसित करना बहुत खतरनाक और कठिन होता जा रहा था, क्योंकि एक साथ एक टीम बनकर काम करना और अलग अलग होकर काम करने में कितना फर्क है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो इस कारण अमेरिका के सभी वैज्ञानिकों को शहर से दूर एक वीरान जगह पर एक प्रयोगशाला की जरूरत थी, जहां पर सभी वैज्ञानिक एक साथ काम कर सके। तो इसके बाद 13 अगस्त 1942 के दिन अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। अब इसका नाम मैनहट्टन अमेरिका के शहर मैनहट्टन के नाम पर रखा गया था, ताकि लोगों को इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता ना चले कि अमेरिका भी एक भयानक बम बना रहा है। खैर, इस प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर भी मैनहट्टन शहर में ही बनाया गया, जिसकी कमान अमेरिकी आर्मी जनरल लेजली ग्रॉस को सौंपी गई। यह उनकी इमेज है। अब अमेरिका ने लेजली ग्रॉस को ही क्यों चुना इस प्रोजेक्ट के लिए? क्योंकि लेजली ग्रॉस अहंकार और जिद्दी रवैये वाला आदमी था, जो अपनी बुद्धि से अपने लक्ष्य को हर कीमत पर हासिल करने के लिए जाना जाता था। इस कारण अमेरिका ने इसे कमान सौंपी थी। तो लेजली ग्रॉस ने बहुत सारे वैज्ञानिकों को इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, जिसमें एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर, लियो सिलार्ड, रॉबर्ट ओपनहाइमर जैसे 15 वैज्ञानिक शामिल हुए। यह उन 15 वैज्ञानिकों की इमेज है। तो इनमें से रॉबर्ट ओपनहाइमर को इन्हें इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया। क्यों? क्योंकि ओपनहाइमर न्यूक्लियर फिजिक्स में माहिर थे। इन्होंने इस फील्ड में बहुत सारी खोजें की थी और ऊपर से एक अमेरिकी भी थे। इस कारण लेजली ग्रॉस को लगा कि अगर काम परमाणुओं का है तो उसकी कमान भी एक ऐसे आदमी के हाथ में देनी चाहिए जो इसमें माहिर भी हो और खुद अमेरिकी भी हो, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक तो यूरोप से आए हुए थे। तो लेजली ग्रॉस को इन पर ज्यादा विश्वास नहीं था, क्योंकि क्या पता ये वैज्ञानिक नाजी जर्मनी या यूरोप के किसी देश के सीक्रेट एजेंट भी हो सकते हैं। इस कारण लेजली ग्रॉस ने ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया। अब इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शहर से दूर किसी वीरान जगह पर बनाना था, तो ओपनहाइमर ने इसके लिए लॉस एलामोस को चुना, क्योंकि वो बचपन में यहीं पर घूमने आया करते थे, तो उन्हें पता था कि यह जगह इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही होगी। ये उस समय की इमेज है। आप देख सकते हैं इसमें जंगलों और पहाड़ों में साइट को बनाया गया था और इस साइट को प्रोजेक्ट वाई नाम दिया गया था। तो जब लॉस एलामोस में साइट बनने का काम शुरू हुआ, तब तक सभी वैज्ञानिक शहरों में काम कर रहे थे। ऐसे में 2 सितंबर 1942 के दिन एनरिको फर्मी, जो शिकागो विश्वविद्यालय के फुटबॉल के मैदान के नीचे एक सुनसान बेसमेंट में परमाणु की पहली सफल श्रृंखला प्रतिक्रिया, यानी इन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की खोज कर ली। यह उस चेन रिएक्शन की ओरिजिनल इमेज है। और जैसे ही यह परीक्षण सफल हुआ, तब उसी जगह पर लियो सिलार्ड ने एनरिको फर्मी से हाथ मिलाया और कहा कि यह परीक्षण मानव जाति के इतिहास में एक काले दिन के रूप में गिना जाएगा। इनकी बात भी सही थी, क्योंकि इस घटना के बाद परमाणु बम बनना अब निश्चित हो गया था। बस अब इसका सफल परीक्षण करना बाकी था। और इसी घटना के साथ धरती पर परमाणु युग की शुरुआत हुई, जो आज हमारे लिए एक अभिशाप बन गया है। अब यह न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं। जब इस परमाणु पर न्यूट्रॉन से हमला होता है तो यह परमाणु टूट जाता है, फिर इन टूटे हुए परमाणु पर भी न्यूट्रॉन से हमला होता है तो वह फिर से छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, और वह तब तक टूटता रहता है जब तक उसमें से ऊर्जा ना निकले। खैर, तो लॉस एलामोस में शुरुआत में करीब 100 लोग काम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे साइट बनती जा रही थी वैसे वैसे यहाँ लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर वैज्ञानिकों के साथ साथ अमेरिकन आर्मी भी रहती थी और हजारों लोगों को इस काम में रोजगार दिया गया, जिन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या काम कर रहे थे। तो इस तरह से परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नाजी जर्मनी में यूरेनियम क्लब प्रोजेक्ट पहले से ही शुरू था, और ब्रिटेन में ट्यूब अलाइज प्रोजेक्ट को कनाडा और ब्रिटेन मिलकर शुरू कर चुके थे। लेकिन 1943 में नाजी जर्मनी ने ब्रिटेन के शहरों पर बड़े पैमाने पर बमबारी करनी शुरू कर दी, जिसने ब्रिटिश परमाणु प्रोजेक्ट ट्यूब अलाइज को खतरे में डाल दिया। इस कारण ब्रिटेन और अमेरिका ने साल 1943 में क्यूबक समझौता किया। यह उस समय की इमेज है, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल ने मिलकर यह क्यूबक समझौता किया था। तो इस समझौते के तहत ब्रिटेन में चल रहे ट्यूब अलॉयज प्रोजेक्ट के सभी वैज्ञानिकों को और उनकी टीम को जर्मनी की बमबारी के कारण अमेरिका भेज दिया जाए और इन्हें अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया जाए। यानी अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा तीनों मिलकर काम करने लगे, और उस समय के सबसे तेज दिमाग एक मंच पर एक साथ इकट्ठा हुए,
जिनमें से 12 वैज्ञानिक ऐसे थे जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह टीम कितनी मजबूत होगी, क्योंकि इन्होंने ही फिसल यूरेनियम और नॉन फिसल यूरेनियम का पता लगाया था। तो इसके बाद ओपेनहाइमर के कहने पर इन वैज्ञानिकों ने एक साथ 3 परमाणु बम बनाने शुरू किए अमेरिका में। पहला लिटिल बॉय यानी यूरेनियम, दूसरा थिन मैन यानी प्लूटोनियम और तीसरा फैट मैन यानी प्लूटोनियम इम्प्लोजन बम। तो लॉस एलामोस में वैज्ञानिकों ने पूरी लगन से काम करना जारी रखा। रात दिन काम शुरू था और करीब सभी साइट को मिलाकर कुछ 1,00,000 लोग काम कर रहे थे। लेकिन अमेरिका परमाणु बम बनाए इससे पहले ही यूरोप में हिटलर यानी नाजी जर्मनी ने मई 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह 12 अप्रैल 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का निधन हो गया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ट्रूमैन अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति बने। उस समय तक ट्रूमैन को मैनहट्टन परियोजना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन परमाणु बम के विकास पर उन्हें जल्द ही जानकारी दी गई। और जर्मनी के आत्मसमर्पण के लगभग 1 महीने बाद ही यानी जून 1945 में अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बना लिया था। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कमान जिसके हाथ में थी यानी लेस्ली ग्रॉस, वो चाहते थे कि पैसिफिक में अमेरिका जापान के साथ लड़ रहा था तो इस परमाणु बम का इस्तेमाल जापान पर कर देते हैं। लेकिन परमाणु बम का विस्फोट आज तक किसी ने देखा नहीं था। इस कारण ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि कम से कम एक बार परीक्षण करके देख लेते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि हमने जो परमाणु बम बनाया है वो बम ही है या कुछ और है। अब शुरुआत में लेस्ली ग्रॉस ने मना किया था, क्योंकि प्लूटोनियम महंगा और दुर्लभ था। लेकिन बाद में लेस्ली ग्रॉस ने ओपेनहाइमर पर भरोसा किया और एक परीक्षण करने की मंजूरी दी। तो इस परीक्षण में जिस बम का इस्तेमाल करना था उसे ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी नाम दिया था, जो उनका एक धार्मिक शब्द है जिसका मतलब 3 चीजों का एक ग्रुप है। जैसे भारतीय हिंदुओं का त्रिमूर्ति शब्द है यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, वैसे ही उनका यह शब्द ट्रिनिटी है। उनके हिसाब से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब कुछ है, जिसे वो ट्रिनिटी कहते हैं। यानी ओपेनहाइमर की नजर में ये परमाणु बम ही सब कुछ था। यह उस बम की इमेज है जिसे लॉस एलामोस के लैब में बनाया गया था। इसका कोड नाम द गैजेट था, जिसका परीक्षण इस अलामोगार्डो के रेगिस्तान में करना था। तो इस तरह से उसे रेगिस्तान में लाया गया था, जहां पर एक 100 फीट के टावर पर इसका परीक्षण करना था। इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो 16 जुलाई 1945 की तारीख तय की गई इस परीक्षण के लिए। लेकिन जैसे जैसे परीक्षण की तारीख नजदीक आती गई, वैसे वैसे कई वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एडवर्ड टेलर, जिसे बाद में हाइड्रोजन बम के पिता कहा गया, उन्हें डर था कि कहीं इस परीक्षण से पूरी धरती का नाश ना हो जाए। इसके अलावा ट्रिनिटी परीक्षण की एक रात पहले ही अलामोगार्डो के रेगिस्तान में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई थी, जिस कारण परीक्षण 16 जुलाई 1945 को सुबह 4 बजे निर्धारित किया गया था, उसे सुबह 5:29 पर तय किया गया। तो उस सुबह 5:30 परमाणु युग की शुरुआत देखने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सभी वैज्ञानिक, अमेरिकन आर्मी के कई सैनिक और कुछ तकनीशियंस अलग तरह के चश्मे पहनकर इस परीक्षण से कुछ 9 किलोमीटर दूर बैठ गए थे। और आखिरकार जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ तो जिस टावर पर इसे रखा गया था वो लोहे का टावर पूरी तरह से पिघल गया। टावर का नामो निशान मिट गया था। दूर से यह नजारा कुछ ऐसा दिखाई दिया था, एक शक्तिशाली फ्लैश, एक ऐसा तेज झटका जो एक मशरूम के बादल जैसे वायुमंडल में 40,000 फीट तक फैला हुआ था। और आसपास के रेगिस्तान की जमीन जेड ग्रीन ग्लास में तब्दील हो गई थी, इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस विस्फोट के तुरंत बाद ही तेज गर्मी की एक लहर पूरे रेगिस्तान में फैल गई थी और इस परीक्षण को देखने आए कई वैज्ञानिक कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से अंधे हो गए थे। कुछ वैज्ञानिक जमीन पर गिर गए थे तो कुछ वैज्ञानिक खामोश थे कि हमने ये क्या बना दिया। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लीडर ओपेनहाइमर ने जब यह नजारा देखा तो उनके मुंह से हिंदुओं की पवित्र बुक भागवत गीता के अध्याय 11 का 12वां श्लोक निकल गया। ये वो श्लोक था, मुझे संस्कृत आती नहीं है इसलिए मैं इसे पढ़कर आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता। तो इस श्लोक का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि आकाश में 1,000 सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उन सबका प्रकाश मेरे दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। और दूसरा 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, यानी अब मैं मृत्यु बन गया संसारों का नाश करने वाला।
अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि ओपनहाइमर तो एक अमेरिकी था, तो उसने भागवत गीता का श्लोक क्यों पढ़ा होगा। असल में ओपनहाइमर को भागवत गीता बहुत ही पसंद आई थी, और इतनी पसंद आई कि इन्होंने ओरिजिनल भागवत गीता को, जो संस्कृत भाषा में थी, इसे पढ़ने के लिए इन्होंने पूरी संस्कृत भाषा ही सीख ली थी। खैर, ओपनहाइमर का इतिहास एक अलग ही चैप्टर है, कभी समय मिलेगा तो हम उस पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। तो इस परीक्षण के बाद अलामो गार्डो के रेगिस्तान में दूर के इलाकों में रहने वाले लोगों ने कहा कि उस दिन हमने सूरज को दो बार उगता हुआ देखा था, एक जब परमाणु विस्फोट हुआ तब, और दूसरा जब असल में सूरज उगता है तब। लेकिन आइजेक रबी ये उनकी इमेज है, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत में ओपनहाइमर ने इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने की ऑफर दी थी, लेकिन इन्होंने इसके लिए काम करने से मना कर दिया था। और जब यह परीक्षण रबी ने देखा तब उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मानव जाति प्रकृति के संतुलन को परेशान करने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। इसके अलावा लियो सिलार्ड भी इस परीक्षण को देखने आए थे, तो वे भी परेशान हो गए थे कि हमने ये क्या बना दिया, और उन्होंने तुरंत ही आपत्ति जताई और राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक लेटर भेजा, जिसमें सिलार्ड द्वारा मांग की गई कि परमाणु बम का इस्तेमाल करने से पहले जापान को चेतावनी दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से सिलार्ड का यह लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति को कभी नहीं मिला। इस कारण इस परीक्षण के बाद जापान को दो परमाणु बम हमले भी झेलने पड़े। और क्या आपको जापान पर हुए परमाणु बम हमले का डिटेल्स में वीडियो देखना है, तो नीचे कमेंट करके बताएं मुझे। और एक सवाल है आपसे मेरा कि क्या दूसरा विश्व युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करना जरूरी था? आपका विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। तो इस तरह से दुनिया में अमेरिका ने पहला परमाणु बम बना लिया था, जो उस समय तक दुनिया की दूसरी सबसे महंगी परियोजना थी, जिसमें अमेरिकन सरकार को करीब 2.2 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था उस समय, और इसी परियोजना में कुछ 24 लोगों की मौत भी हो गई थी। अब हिटलर का नाजी जर्मनी इतना आगे होने के बावजूद भी परमाणु बम क्यों नहीं बना पाया था? तो जर्मनी के परमाणु बम परियोजना के लीडर थे वर्नर आइजनबर्ग, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो आइजनबर्ग को लेकर काफी विवाद है इतिहास में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आइजनबर्ग जर्मन परमाणु बम परियोजना को पटरी से उतारने के लिए छल कपट का इस्तेमाल किया था, यानी आइजनबर्ग ने जानबूझकर जर्मन परमाणु बम परियोजना को धीमा कर दिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आइजनबर्ग को नाजी पार्टी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो कुछ इतिहासकार आइजनबर्ग को एक देशभक्त के रूप में भी देखते हैं, यानी इसे लेकर इतिहास में काफी विवाद है। अब बात करते हैं कि परमाणु बम का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो परमाणु बम के आविष्कार के बाद दुनिया में परमाणु हथियार बनने की होड़ शुरू हो गई। अमेरिका के बाद यूएसएसआर ने भी परमाणु बम बना लिया, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। इसी आविष्कार के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर हुआ, जो एक तरह से हथियारों की कॉम्पिटिशन ही थी, जिसे इतिहास में न्यूक्लियर आर्म रेस भी कहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, कोरियन पेनिनसुला, वियतनाम जैसे कई देश बर्बाद हो गए। और अभी मौजूदा समय में यूक्रेन और रूस की लड़ाई के दौरान भी परमाणु बम के इस्तेमाल की खबरें आपने सुनी ही होगी। यानी कुल मिलाकर परमाणु बम के आविष्कार के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल गई है आज। और आखिर में इस परीक्षण के बाद दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? तो आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं खुद को परमाणु शक्ति का पिता नहीं मानता, मेरा काम अप्रत्यक्ष था, मैंने सिर्फ परमाणु का सूत्र सिद्ध किया था, पर मैं समझता था कि मेरे जीवन काल में इसका प्रयोग नहीं हो सकेगा। असल में इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक ओटो हैन ने किया था, पर वह अपनी खोज की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाया, और उसके रहस्य को लिज मिटनर ने ठीक ठीक समझा, और उसी ने जर्मनी से भागकर डेनमार्क के नील बोहर को उसका भेद बता दिया। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन का बयान है, जिस बारे में हमने वीडियो में विस्तार से बात की थी। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि परमाणु बम बनने से कोई नई समस्या पैदा नहीं हुई है, जब तक धरती पर अलग अलग देश मौजूद है तब तक युद्ध का होना अनिवार्य है। हम यह नहीं कह सकते कि लड़ाई कब होगी, पर वह होगी जरूर, क्योंकि जो कारण परमाणु बम बनने से पहले थे वे कारण अब भी मौजूद है, और परमाणु बम से केवल इतना अवश्य हुआ है कि युद्ध की नाशक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो भी मैं यह विश्वास नहीं करता कि परमाणु बम के युद्ध से मानव सभ्यता का नाश हो जाएगा। हो सकता है कि इसके द्वारा संसार के दो तिहाई या उससे भी ज्यादा लोग मारे जाए, तो
तो भी कुछ विद्वान व्यक्ति बचे रहेंगे और कुछ किताबें भी बची रहेंगी। इनके द्वारा फिर से मानव सभ्यता का निर्माण किया जा सकेगा, तो ऐसा कहना था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। और आज मौजूदा समय में अगर हम देखें तो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद है, अरब में इसराइल फिलिस्तीन का विवाद है, यूरोप में रूस और यूक्रेन का विवाद है, इस तरफ चीन और ताइवान का विवाद है। तो ये वो विवाद है जिसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है, वरना यहीं से भविष्य में एक और महायुद्ध हो सकता है। इसके अलावा दुनिया के कुछ महान लोगों ने परमाणु हथियारों के बारे में क्या क्या कहा था, शायद आप इसे देखना पसंद करेंगे। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।